शुक्ला द्वादशी ओ सवारी हो मेरे बाबा के दरबार से हरी जाए नो मापति लक्ष्मी पति सीता पति श्री राम लज्जा सबकी राखियो खाटो के श्री पान सुपारी लाए जी अदर सुगंध भरपूर सब भक्तों की विनती दर्शन देवो मजो आलू सिंह को प्रेम से धरे श्याम को श्याम भक्त पावे सदा श्याम कृपा से सभी भक्त पावे सदा श्याम कृपा से खाटू वाले श्याम बिहारी कलिकाल में तेरी महिमा है ज्ञानी हारे हुए का तुम हो सहारा केवला जग में प्रभु कष्टहारी मैं भी शरण में तुम्हारी पड़ा हूँ तारो न तारो है मर्जी राम प्यारे तुम्हें प्रीत भाई तो होगी हमारी माया मिलते हुए जीव हम है बाकी नजर हम पे करना मुरारी जब भी जन्म लू बनू दास तेरा सेवा में अपनी लगाना बिहारी नंदी कुंज में गूंज गूंजे श्री राधे प्यारी श्री राधे प्यारी श्री राधे प्यारी खाटू वाले श्याम बिहारी कनिकाल में तेरी महिमा है प्यारी आपके बिहारी लाल की राधे रानी सरकार की जयकारा वीर बजरंगी बोल साचे दरबार की आपके बिहारी लाल की राधे रानी सरकार की और 25 बार हमारे यहाँ ईश्वर मित्तल मंडल में सर्वक्षक पिछले 8 वर्षों से खाटू जी का बेहद जागरण करते थे। इस बार हमारे कुछ सदस्य ने हमारी धर्म पत्नी के द्वारा ये आया भाई तो मैं खाटू साहब अखंड ज्योत का पाठ करा तो खाटू साहब अखंड ज्योत पहली बार करा रहे हैं खाटू साहब प्रचार मंडल खाटू शिव मंडल की तरफ से खाटू साहब जागरण करके 8 वर्ष से करा रहे हैं और अब तक पहली बार हमारे कुछ सदस्य ने हमारी धर्म पत्नी दया जी ने उसमें विचार आया कि हमने पहली बार कुछ नया करना चाहिए तो हमने फिर ये हुए खाटू साहब जो अखंड ज्योत पाठ है उसका हमने 5 फरवरी को तय किया तो 26 जनवरी को 10 फरवरी का बिहार किया था तो बहुत बढ़िया रहा। आप उसमें आए थे आपने देखा भी था और कितनी मतलब एक सहनशीलता से पूरी डिसिप्लिन से हर अच्छी काम किया। ये हमारे डिसिप्लिन इसमें भी है हमने 12 साल में जो तो सामूहिक बिहार बलपंडल की तरफ से हो रहा है तो उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। अब जब भी जो खाटू साहब के जागरण है 25 मार्च को है 25 मार्च 2023 को यही इसी जगह पर है तो खाटू साहब सेवक मंडल की तरफ से सभी जो सदस्य के तरफ से हम बहुत अच्छे हैं। जैसा कि अभी ईश्वर मित्तल जी ने बताया श्री खाटू श्याम सेवक मंडल गुरुग्राम के तत्वाधान में आज श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ संपूर्ण हुआ। बाबा की बड़ी कृपा बरसी दूर दराज से सैकड़ों श्याम प्रेमी आज यहाँ पहुँचे। जैसा कि अभी बताया गया कि पहली बार श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ इस संस्था के माध्यम से रखा गया। इससे पहले करीब 8 वर्षों से लगातार बाबा का बहुत ही सुंदर भव्य संकीर्तन इसी प्रांगण में होता है फैब केयर खांडसा रोड गुरुग्राम में।
इस वर्ष भी 25 मार्च को बाबा का बड़ा ही भव्य संकीर्तन होने जा रहा है और 24 मार्च को बाबा की बहुत भव्य शोभा यात्रा निशान यात्रा निकलेगी। सभी से गुजारिश है, मैं प्रार्थना करूंगा जो भी इस वीडियो को देखें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और बाबा के पावन पवित्र दर्शनों का लाभ उठाएं। जय श्री श्याम।